अगस्त से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इसी बीच धर्मपुरी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के श्री गोपाल शास्त्री ने कहा है कि राम मंदिर भूमि पूजन के दिन आप भी घरों के बाहर दीपक जलाएं, आतिशबाजी करें, रंगोली बनाएं और अयोध्या में हो रहे मंदिर निर्माण का उत्सव दिवाली के रूप में मनाएं। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम जन्मभूमि पर लंबे समय बाद राम मंदिर के निर्माण की घड़ी आई है। ऐसे में 5 अगस्त को हमें भी दिवाली की तरह उत्सव मनाना चाहिए। वह बोले कि विश्वनाथ धाम पर दीपों से दिवाली मनाई जाएगी, साथ ही महाआरती और विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। इस बार इंदौर में किस तरह से जनता इसका स्वागत करे, इस दिन का उत्साह के साथ मनाए? ओहो, ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है पूरे राष्ट्र के लिए। विगत 500 वर्ष से ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है दुख था, हर हिंदू के अंतकरण उससे पीड़ित था कि बाबर ने जो है इस जो है हमारे भगवान राम का जो गर्भगृह था, मंदिर था, उसको तोड़ करके जो है उन्होंने मस्जिद बना दी थी। ये बड़ा दुख का विषय है, लेकिन आज ऐसा अवसर आया है, ये हम सभी के लिए पूरे राष्ट्र के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है। तो सभी जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अपने घर में जो है अधिक से अधिक जो है दीप जलाएं और भगवान को, भगवान राम जी का आवाहन करें, उनका पूजन करें और पूजन करके जो है आरती उतारें और अधिक से अधिक अपने घर में, मंदिर में, देवालय में, जहां भी रहें जो है दीप जला करके उत्साह मनाएं। भीड़ इकट्ठा करके नहीं, जो है दीप जला करके उत्साह मनाएं। अधिक दीप जला दें, आप स्वयं इकट्ठे ना हों, दीप जला करके जो है इसके उत्सव को मनाएं।